हाय फ्रेंड्स, इट्स मी पूनम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ दिल्ली के सबसे फेमस गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है पटेल चौक। यहाँ से गुरुद्वारा सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही है। दिल्ली में 3 गुरुद्वारे बहुत फेमस हैं, चांदनी चौक में शीशगंज, सेंट्रल सेक्रेटरिएट में रकाबगंज और कनॉट प्लेस में बंगला साहिब। इस गुरुद्वारे में 2 एंट्री गेट हैं। ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये एंट्री जयसिंह रोड पर है। अब हम चलते हैं दूसरे एंट्री गेट पर। इस एंट्री गेट के पास छोटी छोटी कई शॉप्स हैं जहां से आप सामान परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर ढकने के लिए दुपट्टा या रुमाल नहीं है तो वो भी आप यहां से ले सकते हैं। इस गेट के राइट साइड में ही कार पार्किंग है, जो कि मल्टी लेवल कार पार्किंग है, जो कि बिल्कुल फ्री है। हम लोग संडे को गुरुद्वारे गए। संडे होने की वजह से गुरुद्वारे में बहुत ही ज़्यादा रश था, बट एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी कि विजिटर्स के लिए गुरुद्वारा कमेटी वालों ने पानी का बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। गुरुद्वारे में एक चैरिटेबल पॉलीक्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर भी है, जहाँ से आप MRI तक करवा सकते हैं। बाहर जहां MRI की कॉस्ट 7-8 हज़ार पड़ती है, वहां यहां गुरुद्वारे में सिर्फ 50 रुपये की पर्ची ही कटती है। यहां जूता घर में आपको अपने शूज और सैंडल्स रखवाने होंगे। किसी भी धार्मिक जगह पर जाने से पहले अपने हाथ और पैर ज़रूर धोने चाहिए। और गुरुद्वारे में एंटर करते टाइम अगर आपने अपने सर को नहीं ढका है तो किसी रुमाल या दुपट्टे से अपने सर को ढक लीजिए। गुरुद्वारे में किसी भी तरह का भोग नहीं लगाया जाता, तो अगर आप प्रसाद लेते हैं तो वो आपको अपने हाथ में ही रखना पड़ेगा। जैसे ही आप गुरुद्वारे में एंटर करेंगे, आपको सामने एक गद्दी दिखाई देगी जिस पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी रखे जाते हैं। उन्हीं के सामने माथा टेका जाता है और प्रार्थना की जाती है। जैसे ही आप मेन बिल्डिंग से बाहर आएंगे तो यहाँ आपको एक पवित्र सरोवर दिखाई देगा। एक चीज़ और आपको यहाँ बहुत अच्छी लगेगी और वो है यहाँ की साफ़ सफाई। रोज़ हज़ारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उसके बाद भी यहाँ साफ़ सफाई को इतनी अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। हम लोग इवनिंग में यहाँ पहुँचे थे तो हमें यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट भी देखने को मिला। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप गुरुद्वारे में आएँ तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये गुरुद्वारा है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, तो यहाँ डिसिप्लिन का प्लीज़ ध्यान रखिए और गुरुद्वारे की जो भी गाइडलाइंस हैं प्लीज़ उन्हें फॉलो कीजिए। इस होली पॉन्ड में बहुत सारे फिशेस हैं, बच्चे इन फिशेस को देखकर बहुत खुश होते हैं। गुरुद्वारे में लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सेपरेट बाथरूम्स बनाए गए हैं। आप चाहें तो यहाँ बैठकर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। गुरुद्वारा देखने में बहुत ही खूबसूरत है।
गुरुद्वारा 24 घंटे और हफ्ते के सातों दिन खुला होता है। आप कभी भी यहाँ जाकर माथा टेक सकते हैं। गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद और सरोवर का चक्कर लगाने के बाद हमने प्रसाद लिया और निशान साहिब को माथा टेका। गुरुद्वारे में एक म्यूज़ियम भी है और बाकी गुरुद्वारों की तरह यहाँ भी पूरा दिन लंगर चलता रहता है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो गुरुद्वारा बंगला साहिब की। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।